गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यह है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इंडिकेट किया गया स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर जो मीडियम होता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है? ऑन राइबोसोम। इसको डिस्क्राइब किसने किया? इसमें थ्री नाम है। पहला नाम है कॉलिकर, और इसके बाद एक साइंटिस्ट है अल्टमान, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया बायोब्लास्ट। और बाद में इसका रीनेम जो मैंने डिस्क्राइब किया माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया सी वेंडा। ध्यान रखिए, तो पहले बायोब्लास्ट बोलते थे, बाद में से क्या बोल दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों नाम आप लोग याद कीजिए और इसको अपनी कॉपी में राइट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट साइंटिस्ट कॉलिकर, इसके बाद अल्टमान, और लास्ट में क्या? सी वेंडा। इसे खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा एंड प्रोटीन होगा। और इस साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया, जो एर्बन पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होते हैं? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।